मई है और शाम का वक्त है सीयूईटी पेपर पीसीएम ग्रुप का। बात करते हैं विद्यार्थियों, पीसीएम ग्रुप का पेपर कैसा हुआ है आज? ठीक है, कल का पेपर मैथ काफी टफ था, तो बात करते हैं विद्यार्थियों से, कुछ बताएंगे पेपर के बारे में। अच्छा आया, अच्छा चलिए, पेपर के बारे में कुछ बताएंगे? नहीं बताना, अच्छा। चलिए, और भाई साहब कैसा पेपर हुआ आपका? जी पेपर बहुत बढ़िया हुआ। पीसीएम का पेपर था ना? जी। तो मतलब तीनों में कौन पोर्शन अच्छा था तीनों में से? तीनों में फिजिक्स का पोर्शन बहुत अच्छा था। अच्छा था। इजी था। केमिस्ट्री? केमिस्ट्री भी मॉडरेट लेवल था। केमिस्ट्री मॉडरेट। और मैथ के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? मैथ्स थोड़ा सा डिफिकल्ट था, पर सही था। सही था, ठीक ठीक, थैंक यू। ओके, तो मैथ बता रहे हैं थोड़ा सा कैलकुलेशन पोर्शन था। और लोगों से बात करेंगे तो आपको जायजा लगेगा, ऐसे एक दो लोगों से बात करने में कन्फर्म नहीं होता है, जो भी स्टूडेंट्स पढ़ने वाले विद्यार्थी होंगे। आइए भाई साहब, पढ़ने वाले विद्यार्थी लग रहे हैं। जी सर। जी पेपर कैसा हुआ? अच्छा हुआ सर। अच्छा हुआ। अच्छा, पीसीएम में कौन पेपर अच्छा सबसे? पीसीएम में सबसे अच्छा मैंने फिजिक्स। फिजिक्स, ठीक। हाँ सर, बता रहे हैं मैथ टफ आया है। मैथ, हाँ मैथ कुछ टफ आया, उसके 28 क्वेश्चन हुए मेरे। 28? जी सर। तो केमिस्ट्री में क्या कहना चाहते हैं? केमिस्ट्री मेरी तो स्पेशली थोड़ी सी वीक है। अच्छा अच्छा, बस उसके कारण। लगभग 90 क्वेश्चन किए होंगे आपने? अप्रोक्स। लग रहा कल जैसा ही पेपर आज का भी था। और लोगों से बात करते हैं, कुछ विद्यार्थियों से, कुछ जो पढ़े लिखे विद्यार्थी हों शायद समझ में कम आ पाएगा, तो कुछ बताएंगे भैया पेपर कैसा हुआ? अरे डर लग रहा है, ठीक। और लोगों से बात कर ले थोड़ा सा जो है, तो आइए विद्यार्थियों। जी भाई साहब बताएंगे कैसा पेपर हुआ? बहुत अच्छा गया। बहुत अच्छा गया। तीनों में कौन सा पेपर अच्छा है? कैसा? तीनों में अच्छा सिंपल पेपर कौन लगा आपको? मेरे को मैथ लगा। मेरे को मैथ लगा। मैथ अच्छा आपका है, ठीक ठीक। इनको मैथ आसान लगा है। और लोगों से थोड़ा बात करते हैं विद्यार्थियों से, काफ़ी लोग डरते हैं कुछ। हाँ, चश्मा वाले भाई साहब, आप थोड़ा सा नाम बताएंगे अपना? सर जतिन यादव। जतिन यादव जी, अच्छा। कहाँ से आए आप? सर कानपुर। कानपुर से, अच्छा। तो आप पीसीएम का पेपर था, जैसा कि बच्चे बता रहे हैं मैथ का थोड़ा सा टफ पेपर लगता है, तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में आप क्या कहना चाहते? सर केमिस्ट्री तो स्ट्रॉन्ग आई थी काफ़ी। अच्छा, अच्छा, अच्छी आई थी मतलब। अच्छा, अच्छा। और फिजिक्स मॉडरेट थी एकदम अच्छी। मैथ के बारे में क्या कहना चाहते हैं? मैथ में भी मॉडरेट थी। अब तीनों मॉडल लगभग लगभग, ठीक ठीक ठीक। ओके, बात करते हैं, आपका नाम क्या है? अनविशा यादव। अनविशा यादव जी, अच्छा पेपर पीसीएम में क्या कहना चाहते हैं? बच्चे कह रहे हैं कि सर फिजिक्स का अच्छा पेपर था, केमिस्ट्री का मॉडरेट था, मैथ के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? कल जो 21 मई का पेपर था उसमें मैथ थोड़ा सा कैलकुलेटिव पोर्शन था, आज के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? आज मैथ्स बहुत ही मतलब मॉडरेट आया था। मतलब सही था। सही था। हाँ। तीनों में कल का जो पेपर देखा जाए पीसीएम में, तो केमिस्ट्री पेपर काफी मॉडरेट था, काफी सिंपल था। आज मतलब आप तो कल पेपर देखा नहीं तो अंदाजा नहीं लगेगा कैसा है, लेकिन केमिस्ट्री के बारे में क्या कहना चाहेंगे? केमिस्ट्री का पेपर बहुत इजी था, मतलब सब पढ़ा ही हुआ आया था। मतलब कुछ पता है कि जैसे जो ऑर्गेनिक पार्ट है या जो इनऑर्गेनिक पार्ट है, दोनों में मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट क्या होगा? ऑर्गेनिक पार्ट। ऑर्गेनिक पार्ट ज़्यादा था। चलिए ठीक है, थैंक यू अनविशा, आपने काफ़ी अच्छी जानकारी दी। तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।